आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों ने दूसरे दिन भी बीआरसी कार्यालय बिलारी पर प्रदर्शन जारी रखा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक पुरानी पेंशन बहाली मंच के बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों ने विद्यालय में न जाकर बीआरसी कार्यालय बिलारी पर धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अपने विचार रखे। इस अवसर पर शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष सुरजीत यादव ने कहा कि हम सभी शिक्षक प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान में 6 फरवरी से लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जो कि 12 फरवरी तक जारी रहेगा, और यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। शिक्षकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जहां एक और शिक्षक विद्यालयों में न जाकर विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन किसी भी तरह विद्यालय को चलाने की कोशिश में लगा है। खंड शिक्षा अधिकारी बिलारी भुवन प्रकाश ने बताया कि जिला अधिकारी के आदेश है कि किसी भी तरह विद्यालयों में छात्र छात्राओं की शिक्षा प्रभावित हो। इसके लिए शिक्षा मित्रों, ग्राम प्रधान, शिक्षा समितियों आदि का सहयोग लेकर विद्यालय में पढ़ाई की व्यवस्था जारी की। क्षेत्र के अधिकांश विद्यालय खुले हुए मिले, जबकि कुछ विद्यालय बंद पाए गए। 2 दिन से खराब मौसम के कारण विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति कम दिखाई दी और अघोषित अवकाश जारी दिखाई दिया। वहीं शिक्षक इस विद्यालय में बच्चों की कम उपस्थिति को अपने आंदोलन का कारण बताकर आंदोलन को सफल मान रहे हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों के सुचारू रूप से विद्यालय चलाए जाने के कारण विद्यालय नियमित रूप से खुल रहे हैं। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी बिलारी के निकट प्राइमरी विद्यालय में भी ताला लटका हुआ मिला। ये शिक्षक अधिकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली मंच का जो है गठन किया गया है, सन 2004 के बाद नियुक्त जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको पुरानी पेंशन से विहीन कर दिया गया है। उसके लिए लड़ाई जारी चल रही है ये, और ये प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर दिनांक 6 तारीख से लेकर दिनांक 12 तारीख तक हम लोग पूर्ण रूप से हड़ताल पर हैं। सभी विभागों के लोग जो हैं पुरानी पेंशन को लेकर समर्थन कर रहे हैं, और वो सभी विभाग जो शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली मंच से जुड़े हुए हैं हमारे साथ हैं और इस आंदोलन को पूर्ण रूप से सफल बनाने में जुड़े हुए हैं। अच्छा, विद्यालय में जो कोई पहुँचेगा आपका पुरानी नहीं पहुँचेगा? जी, विद्यालय जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मान लेती तब तक विद्यालय बंद रहेंगे, पूर्ण रूप से तालाबंदी रहेगी, और 12 तारीख तक का ये हमारे प्रांतीय नेतृत्व का जो है आह्वान किया गया है, और 12 तारीख के बाद भी अगर नहीं सुनती है सरकार, 12 तारीख तक नहीं सुनती है तो हम जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर। बच्चों की तैयार शिक्षा प्रभावित ना हो इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? इसमें जो निर्देश जैसे आए हैं जिला अधिकारी महोदय जी के, तो उन्होंने कहा है कि प्रत्येक विद्यालय में जहाँ पर शिक्षा मित्र कार्यरत हैं तो शिक्षा मित्रों से स्कूल खुलवाए जाएं, और ग्राम प्रधानों के सहयोग से सभी स्कूलों को खुलवाया जाए। जहाँ पर रसोईया कार्यरत हैं रसोइयों को बुलाया जाए, एसएमसी के अध्यक्ष हैं एसएमसी के अध्यक्षों से सहयोग लेकर के सभी स्कूलों को खुलवाने की व्यवस्था की जाए। जिन स्कूलों को शिक्षक संघों द्वारा जो लोग हड़ताल पर हैं अगर उनके द्वारा कोई विद्यालय जबरदस्ती बंद कराया जाता है तो उनके नामों की लिस्ट उपलब्ध कराते हुए जो प्रशासन को भेजिए। अच्छा, जैसे आपके बगल में एक विद्यालय बंद हुआ है, हाँ, ताला लगा हुआ है, तो ये आपने बात की है? हाँ, तो ऐसे स्कूलों जिन लोगों से ऐसे हेडमास्टर को बुलाया था और हेडमास्टर ने बताया यहाँ के वो हेडमास्टर हड़ताल में सम्मिलित नहीं है और जबरदस्ती बंद कराया गया, तो उनकी सूचना भेजी जा रही है।